नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहा है और हमारे सोचने, काम करने और बातचीत करने के तरीके को भी बदल रहा है। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी पर इसके असर की तारीफ की जाती है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने वाले इसके पैटर्न की भी बात होती है। आइए जानते हैं कि एआई आपके मस्तिष्क को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। पहला पॉइंट है मस्तिष्क पर निर्भरता कम होना। गूगल असिस्टेंट, सिरी और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल के साथ हमें अब फैक्ट्स, डायरेक्शंस या यहाँ तक कि सिंपल कैलकुलेशंस के लिए अपनी याददाश्त पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये कन्वीनियंस इनवैल्यूएबल है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारा दिमाग याददाश्त का कम इस्तेमाल कर रहा है। समय के साथ ये जानकारी को बनाए रखने और याद रखने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे पोटेंशियली कॉग्निटिव शार्पनेस में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है अटेंशन स्पैन में कमी। एआई टूल्स से लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशंस, रिकमेंडेशंस और इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस ने हमारे ध्यान केंद्रित करने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। ये तकनीकें मल्टीटास्किंग को बढ़ावा देती हैं, लेकिन हमारे लिए किसी एक टास्क में डीपली एंगेज होने की प्रक्रिया को कठिन भी बना देती है। रिसर्च बताते हैं कि जैसे जैसे हम छोटे छोटे एआई क्यूरेटेड फॉर्मेट्स में जानकारी को कंज्यूम करने के लिए अडेप्टेबल होते जाएंगे, हमारा अटेंशन स्पैन्स कम होता जाएगा। तीसरा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बेहतर होना। एआई सिर्फ चैलेंजेस के बारे में नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी बेहतर करता है। डेटा ड्रिवन इंसाइट्स देकर और उन पैटर्न को एनालाइज करके जिन्हें हम अनदेखा कर सकते हैं, एआई ह्यूमंस को क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक सोच पर फोकस करने के लिए एनकरेज करता है। एआई टूल्स के साथ काम करने से हमें प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का नया एंगल मिलता है और एक नए तरीके से उसका सॉल्यूशन भी नजर आता है। अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी के लिए एआई पर डिपेंडेंसी। आर्ट से लेकर राइटिंग तक एआई जनरेटेड कंटेंट तेजी से कॉमन होते जा रहे हैं। ये नई पॉसिबिलिटीज को जन्म देते हैं, ये हमें क्रिएटिव आउटपुट्स के लिए एआई पर ज्यादा निर्भर भी बना सकते हैं। जिस आसानी से एआई आइडियाज जनरेट करता है, वो हमारी इमेजिनेशन को दबा सकता है और ओरिजिनल थॉट में हमारे एफर्ट को कम कर सकता है। अगला पॉइंट है मेंटल फटीग और बर्नआउट। AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी की ऑलवेज ऑन वाला नेचर ह्यूमन ब्रेन को ओवरवेलम कर सकता है। वर्क या लेजर के लिए AI टूल्स के कांस्टेंट एक्सपोजर से प्रोडक्टिविटी और रिलैक्सेशन के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं। इससे मेंटल फटीग होगा और गंभीर मामलों में बर्नआउट भी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। AI ने पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लर्निंग में क्रांति ला दी है, जो इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक भी है। इससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को नॉलेज को ज्यादा इफेक्टिवली बनाए रखने में हेल्प मिलती है। मेंटल हेल्थ में AI चैटबॉट्स और एप्स ऐसे लोगों को एक्सेसिबल, स्टिग्मा फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इन टूल्स पर ओवर रिलायंस ह्यूमन रिलेशनशिप्स और एम्पथाइज की हमारी एबिलिटी पर असर डाल सकती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ह्यूमन ब्रेन की अडेप्ट करने की एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी के तौर पर जाना जाता है। इस बात से साफ है कि हम अपनी डेली लाइव्स में AI को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये मस्तिष्क का लचीलापन दिखाता है, ये डिपेंडेंसीज भी पैदा करता है जो AI असिस्टेंस के बिना काम करने की हमारी कैपेसिटी को सीमित कर सकता है। अगला पॉइंट एथिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस से जुड़ा हुआ है। AI का इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव फंक्शन से आगे एथिकल और इमोशनल डोमेन्स तक फैला है। AI असिस्टेंस से लिए गए डिसीजंस के लिए अक्सर ह्यूमंस को मॉरल डिलेमास से जूझना पड़ता है। इसी तरह AI पावर्ड कंपेनियंस के साथ इमोशनल इंटरैक्शन सोशल बिहेवियर्स को शेप दे सकती है, जिससे इंटरपर्सनल स्किल्स पोटेंशियली कम हो सकते हैं। अब जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। AI ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का इमेंस पोटेंशियल देता है, लेकिन ये जोखिम रहित भी है। AI के साथ एक गुड रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हमें कॉन्शियसली इसके यूज को उन एक्टिविटीज के साथ बैलेंस करना चाहिए जो नेचुरल ब्रेन फंक्शंस को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि मेमोरी एक्सरसाइजेस, डीप रीडिंग और पर्सनल इंटरैक्शंस। जैसे जैसे AI हमारी लाइव्स में तेजी से इंटीग्रेट होता जा रहा है, ह्यूमन ब्रेन पर इसके असर को समझना भी जरूरी हो गया है। बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को पहचान कर हम ये पक्का कर सकते हैं कि AI हमारे जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन बिना ऐसी यूनिक क्वालिटीज को कम किए जो हमें मानव बनाते हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये पेशकश, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहें आज तक AI।